हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर ब्रजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल केबी सेवन पे। दोस्तों, थर्ड मे है, आज ईद का दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है। इस दोनों पर्व के लिए आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, नया वीडियो एक लेके आया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग टॉप 75+ GK क्वेश्चंस ऑन बुद्धिज्म के बारे में जानने वाले हैं, और केवल 75+ ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ रिलेटेड, जो क्वेश्चन के रूप में नहीं है, मैं क्वेश्चन के साथ बताता जाऊँगा। तो मेरा आपसे वादा है, यदि आप KBC की तैयारी कर रहे हैं GK टेस्ट की, या कौन होना करोड़पति में जाने वाले हैं FFF में, तो यदि आप लोग से बुद्ध से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, स्किप नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस तरह का कंटेंट आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ जो आप लोग के लिए यूजफुल होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक, यही संस्थापक थे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, उनका जन्म मृत्यु इसे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले जो एक चार्ट मैंने सामने रखा है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इससे हाई वैल्यूड क्वेश्चन बनते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल वैसे तो 4 से ज़्यादा भी हुए थे, लेकिन जो मान्यता है, जिसको माना जाता है, वो ये सिर्फ 4 है। बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है? ये बौद्ध संगीति, हिंदी में नाम सुना होगा आपने। ये महात्मा बुद्ध के डेथ के बाद, जब वो एक्सपायर हुए थे, जब उनकी मृत्यु हुई थी, उसके तुरंत बाद पहला काउंसिल बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया था? राजगीर में ही, जिसको राजगृह राजगृह बोलते हैं। उस समय राजा कौन थे? अजात शत्रु। कब की बात है? 483 BC। आपको पता चल गया होगा कि 483 BC में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और जस्ट उनके मृत्यु के बाद एक काउंसिल बुलाई गई थी, उस जिसको फर्स्ट काउंसिल बोलते हैं। राजा कौन था? अजात शत्रु। वेन्यू कौन सा था? राजगीर में एक सप्तपर्णी गुफा है। ये इसमें से आपको दोस्तों हाई वैल्यूड क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान से समझना। सप्तपर्णी गुफा है, उसी में बुलाया गया था, और चेयरमैनशिप किसने की थी, अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। महाकश्यप भी बोलते हैं, कहीं कहीं महाकश्यप भी बोलते हैं। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु के समय राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप अध्यक्षता किए थे, और कब किए थे? 483 BC में बुलाया गया था। इसी बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसी में दो पिटक की रचना हुई थी, शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैं आगे बताऊंगा आपको। शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। शुद्ध पिटक की रचना उनके शिष्य आनंद ने किया था, जिसमें बुद्ध से संबंधित सारे उपदेश लिखे हुए हैं, और विनय पिटक की रचना उपाली ने किया था, वो भी एक शिष्य थे महात्मा बुद्ध के, जिसमें भगवान बुद्ध से संबंधित नियम कानून लिखे हुए हैं। तो दो पिटक की रचना हुई थी इसी काउंसिल में, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। सेकेंड काउंसिल कब बुलाई गई थी? ये सेकेंड काउंसिल बुलाई गई थी ठीक 100 साल बाद, 383 BC में। किसके टाइम में? कालाशोक, राजा का नाम था कालाशोक, जगत थी वैशाली, क्योंकि मगध का कैपिटल, मगध जो महाजनपद था, उसकी कैपिटल राजगृह से शिफ्ट हो गई थी वैशाली, इसलिए वैशाली में बुलाया गया था, और अध्यक्षता किया था सब्बा कामी ने। कब की थी? 383 BC, यानी पहले बौद्ध काउंसिल के 100 साल बाद। राजा थे कालाशोक, जगह था वैशाली, अध्यक्ष थे सब्बा कामी। तीसरे में आते हैं, तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? ये अशोक के टाइम में, दो मौर्य वंश के राजा थे अशोक, उनके टाइम में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में, क्योंकि कैपिटल उस समय अब मगध की कैपिटल पाटलिपुत्रा हो गई थी। चेयरमैन कौन थे? मोगली पुत्रा टिस्सा। और ये कब हुई थी? 250 BC में, यानी सब ईसा बिफोर क्राइस्ट। तो
ईसा पूर्व की बात हो रही है, 250 BC में मोगाली पुत्रा, यहाँ पे तीसरा पिटक की रचना की गई थी। कौन सी? अभिधम्म पिटक। पहला दो जो पिटक हुआ था यहाँ पे हुआ था सुत पिटक और विनय पिटक, और मोगाली पुत्र तीसरा ने अभिधम्म पिटक की रचना की थी। कहाँ हुई थी ये? पाटलिपुत्रा में, राजा थे अशोक, और कौंसिल था तीसरा। पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में। कुछ भी पूछा जा सकता है, वेन्यू पूछा जा सकता है, राजा कौन थे वो पूछा जा सकता है, अध्यक्षता किसने की थी वो पूछा जा सकता है, किस साल में हुआ वो पूछा जा सकता है। चौथा कौंसिल कब हुआ था? कनिष्क के टाइम में। ये कहाँ के? कश्मीर के राजा थे, कुंडलबन जगह का नाम था, कश्मीर में कुंडलबन में हुआ था स्पेसिफिकली, और अध्यक्ष थे वासुमित्र। यहाँ एक उपाध्यक्ष भी थे जिनका नाम था अश्व घोष, जिन्होंने बौद्ध चरित्र की रचना की हुई है। ये कब हुआ था? 100 पहली शताब्दी में, समझे, इसके बाद मतलब एडी में, बीसी के बाद, यानी पहली शताब्दी में। कहीं 72 AD लिखा हुआ है, कहीं 100 AD लिखा हुआ है, आप 72 AD समझिए। पहली शताब्दी में कनिष्क थे राजा और वासुमित्र थे उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। जगह था कुंडलबन। दोस्तों यहाँ पे बौद्ध धर्म जो था दो भागों में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था, हीनयान और महायान। किसके टाइम में? कनिष्क के टाइम में। कहाँ के राजा थे? कश्मीर के राजा थे, और वासुमित्रा जो फोर्थ काउंसिल हुआ था उसके अध्यक्ष थे। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, पहला काउंसिल अजात शत्रु, दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। कनिष्क को भी जूनियर अशोक बोलते थे। तो आप इस तरह से चारों याद करें, अजात शत्रु, काला अशोक, अशोक का कनिष्क, ये राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये तीनों बिहार में है। तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और चौथा जो था कश्मीर में। नाम थोड़ा सा टफ होगा लेकिन याद करने का कोशिश कीजिए। महाकश्यप, सब्बाकामी, मोगाली पुत्रा और वासुमित्रा। यहाँ पे एक अश्वघोष भी थे उपाध्यक्ष। 483 BC जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी साल, 383 BC में 100 साल के बाद दूसरा हुआ था, फिर 250 BC में हुआ था तीसरा, और चौथा 72 AD में। जो पहला बुद्ध काउंसिल हुआ था बौद्ध संघ थी, यहाँ पे सुत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी, और यहाँ संघमित्रा का, संघमित्र ऐसा कुछ था वो शुरू हुआ था। और यहाँ 250 BC में जो तीसरा पिटक है इनका, महाधम्म पिटक, 250 BC में हुआ था, जो मोगाली पुत्र के द्वारा लिखा हुआ गया था। और यहाँ जो सुत पिटक था और विनय पिटक है, सुत पिटक की रचना आनंद ने की थी और विनय पिटक की रचना उपाली ने। चौथे में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। पहला क्वेश्चन है, किससे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? दोस्तों ये गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनका शरीर प्रकाशमय हो गया था, तेज झलक रहा था, सुगंधित हो गया था, इस वजह से उनको लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं। एक बुक भी लिखी गई हुई है किसी अंग्रेज के द्वारा, अर्नोल्ड नाम था, एडविन अर्नोल्ड, और उनके द्वारा लंदन में प्रकाशित की गई थी 1879 में, वो भी लाइट ऑफ एशिया के नाम से है। और वो जो उन्होंने तो देखा तो था नहीं गौतम बुद्ध, तो एक संस्कृत में बुक है ललित विस्तार, वहाँ से विषय वस्तु लेके उन्होंने लाइट ऑफ एशिया बुक लिखी थी। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि किसे एशिया की रोशनी, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। अब गौतम बुद्ध, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC, 563 BC में, 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पे, लुम्बिनी एक वन भी है वहीं पे, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। ये अभी नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था जो शाक्य गण के प्रधान थे, इसलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी बोला जाता है। इनकी माता जो थी वो कोलीय गणराज्य की थी, पास में कोलीय गणराज्य है, जैसे शाक्य गणराज्य के थे वैसे ही वो कोलीय गणराज्य के थे, और उनकी माता, और
और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनकी मौसी का नाम नहीं, इनकी मम्मी का नाम महामाया था और इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। इतना जो मेन चीज है यहाँ से रिलेटेड इस क्वेश्चन से वो बता दिया। एक चीज और, यहाँ पे कैसे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में और लुम्बिनी में ही हुआ था, ये कैसे पता चलता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था और हाई वैल्यूड क्वेश्चन है। तो ये अशोक का एक अभिलेख है जिसमें बताया गया है बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उस अभिलेख का नाम है रूमिन देई। रूमिन देई, रूमिन RUMINDEI, रूमिन देई, रूमिन देई नामक अभिलेख में बताया गया है कि भगवान बुद्ध का जन्म यहाँ लुम्बिनी में हुआ था। एक्चुअली क्या है कि जब अशोक राजा बने थे, पहले तो 261 में वो कलिंग की लड़ाई जीते थे, उसके 8 साल के बाद अशोक का राजा अभिषेक हुआ था, तब वो राजा बने थे। और उसके बाद, उसके 20 साल के बाद वहाँ गए थे वहाँ लुम्बिनी में, तब वहाँ पे वो उनका स्थापित किया गया था, उनका अपना अभिलेख सब जगह लगा रहे थे, तो वहीं उसी अभिलेख से पता चलता है। और चूंकि भगवान बुद्ध का वहाँ जन्म हुआ था तो लुम्बिनी से यानी कोई टैक्स नहीं लिया जाता था अशोक के टाइम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ धर्म ग्रंथ क्या है? तो दोस्तों ये बौद्धों का है, मैंने अभी बताया, इसमें 3 ग्रंथ हैं, सुतपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुतपिटक के बारे में बता दिया, अब याद हो जाना चाहिए, सुतपिटक को आनंद ने लिखा था जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है। दूसरा विनय पिटक है जिसमें भगवान बुद्ध के नियम कानून को संकलित किया गया। अभिधम्म पिटक क्या है? इसमें भी उपदेश है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों उनकी मृत्यु हुई थी, आप ये कुशीनारा या कुशीनगर समझ लीजिए, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, ये करीब देवरिया के आसपास है। तो आप देखिएगा बिहार और उसके ये ऊपर उत्तर प्रदेश है, तो ये बिहार, बिहार में पावापुरी एक जगह है, पावा, पावा से वो कुशीनगर गए थे। एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ भी डिटेल में बता देता हूँ, पावा में इनके एक शिष्य थे चंदू, चंदू लोहार, चंद्र लोहार कहीं लिखा जाता है, कहीं सुनार लिखा जाता है। वहाँ पे उनके यहाँ उन्होंने रुका था, खाना वगैरह खाया था जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई थी, डायरिया या एमेबियोसिस बोलिए, ब्लड ही निकल रहा था। और खाना क्या खाया था, तो कहीं कुछ लिखा होता है, जनरली एक जगह मैंने पढ़ा था कि मशरूम जैसा कोई चीज़ है, कहीं सुअर मांस बोलते हैं, लेकिन वो मांस मीट नहीं है क्योंकि भगवान बुद्ध मीट नहीं खाते थे। एक कुछ नाम अलग सा है, कीचड़ में वो निकलता है और वो उसको मशरूम जैसा चीज ही होता है, लेकिन वो फूल जैसा उससे बड़ा बड़ा होता है। इसको कहीं मैंने पता, वो मदर इंडिया फिल्म में दिखाया गया, उस चीज़ को नरगिस खिलाती है अपने बच्चे को, ये वगैरह दिखाया गया, तो उसी तरह के फ्रूट जैसा फूल जैसा निकलता है और काफ़ी उस समय वो कोई विशेष व्यक्ति होते थे तो उनको खिलाया जाता था। तो कहा जाता है वो कुछ जहरीला था, इस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद उसी तबीयत खराब में वो क्या चले, अपने कुशीनगर की ओर चल दिया, यानी बिहार से पावा से कुशीनगर की तरफ गए। कुशीनगर पहुंचते शाल ग्राम है, 2 साल वृक्ष के बीच में लेट गए, वहाँ तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई, लोग उनको श्रावस्ती ले जाना चाहते थे। श्रावस्ती कहाँ पे है? अयोध्या। अयोध्या को कौशल राज बोला जाता था पहले, और श्रावस्ती उनकी कैपिटल थी जहाँ सबसे ज़्यादा उपदेश वहीं दिया। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया उन्होंने, लेकिन वहाँ जाने के कंडीशन में नहीं थे, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे? कुशीनगर में, 2 साल वृक्षों के बीच में लेट गए थे, लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने एक 120 साल के ब्राह्मण को अंतिम उपदेश दिया था, उनका नाम था सुबद्ध, सुबद्ध, सुभद्र, सुभद्र, नाम याद रख लीजिए, अंतिम व्यक्ति जिसको उपदेश दिया था उसका नाम था सुभद्र। वो आगे आएगा क्वेश्चन, चूंकि यहाँ बात चली है इसलिए मैंने बता दिया। तो उनकी मृत्यु कहाँ की हुई थी? कुशीनगर में, जिसको क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण, उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण।
और आगे सब बताएंगे। ये टेक्निकल वर्ड है, उनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। और भी कुछ टेक्निकल वर्ड है जो मैं आगे बताऊंगा आपको। कौन राजा ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो वो थे धर्मपाल। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना था भागलपुर में, जो बिहार में है, केवल बौद्धों के लिए होता था। अब तो यूजीसी ग्रांटेड यूनिवर्सिटी है, नॉर्मल पढ़ाई होती है वहाँ पे, लेकिन उस समय बौद्धों के लिए बनाया गया था। विक्रमशिला, विक्रम राजा थे, शिला रानी थी। तो ये धर्मपाल के समय की बात है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति, थर्ड बुद्धा संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय किसके बारे में था? पहला कालाशोक, दूसरा, पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। तो यहाँ क्या होगा? अशोक, क्योंकि तीसरा अशोक पाटलिपुत्र में, पहला अजातशत्रु था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली में। दोस्तों उस समय बोलचाल की भाषा जो मगध की भाषा थी, पाली भाषा थी। संस्कृत भी था उस समय, लेकिन पाली ज्यादा सुगम थी, बोलचाल की भाषा थी, तो पाली में रचना की गई है। तो याद रखना, बौद्ध ग्रंथ के जो पिटकों की रचना हुई है, बोलचाल भी पाली थी और रचना भी पाली लैंग्वेज में की गई है, संस्कृत भी था उस समय। और ये जो प्राकृत और अर्धमागधी जो लिखा हुआ है, ये जैन ग्रंथों की रचना इस दोनों लैंग्वेज में की गई है। चलिए आठवां क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? अशोक के टाइम में, जब अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद, अपनाने के बाद ही वो कलिंग युद्ध के 8 साल के बाद राजा बने थे। और उसके बाद इन्होंने अशोक धर्म का, सॉरी, बौद्ध धर्म का प्रसार किया, पूरे दुनिया में प्रसार किया, अपने बच्चे को भी भेज दिया श्रीलंका, नेपाल, मतलब सब जगह उन्होंने अपने खानदान के सारे लोग को भेज के बौद्ध धर्म का प्रसार कराया था। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, बौद्ध स्तूप। अभी इतना ही समझिए, आगे बताते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुभद्र, जो मैंने अभी आपको बताया। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? सबसे पुराना यहाँ जो है, जो भी लिखा हुआ है, गंधार, कन्नौज, नालंदा और वैशाली, तो ये नालंदा है। यहाँ यदि तक्षशिला लिखा होता तो तक्षशिला होता है, यहाँ नालंदा है, तो सबसे पुराना नालंदा है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली, जानते हैं। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्रण सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी कहाँ है? अजंता में, दोस्तों अजंता में। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार। दोस्तों मगध के राजा उस समय बिंबिसार हुआ करते थे, बौद्ध के भगवान बुद्ध के टाइम में, और उसी समय पहले ही जैन धर्म भी चल रहा था, महावीर जी का जैन धर्म। उसे बहुत पुराना धर्म है, इसकी मतलब चर्चा ऋग्वेद में भी है, लेकिन जो जैन धर्म के वास्तविक प्रचारक थे महावीर स्वामी, वो बौद्ध धर्म के मतलब भगवान बुद्ध के समकालीन थे, आगे पीछे ही थे। तो दोनों का उपदेश बिंबिसार के समय हुआ था, उस समय राजा बिंबिसार हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, सारनाथ में। सारनाथ में दोस्तों कहानी यहाँ पर भी है, तो मैं बता दूँ, जब भगवान, यहीं पे बताते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप धैर्य पूर्वक लास्ट तक देखिएगा। जब गौतम बुद्ध के जन्म के समय ही भविष्यवाणी हो गई थी, यानी कुछ जो एस्ट्रोलॉजर वगैरह थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बहुत बड़ा ऋषि बनेगा, संत बनेगा, नया धर्म चलाएगा, लोगों को उपदेश देगा। तो अब इनके पिताजी चिंतित हो गए, वो इनके सुख दुख और मतलब वैवता का ध्यान रखते हुए महल वगैरह बनाए कि बाहर की दुनिया ना देख सके। सिद्धार्थ, जन्म का नाम सिद्धार्थ था, उनकी शादी भी एक सुंदर कन्या से कर दी गई, बच्चे भी हुए, उसी चीज में वो लगे रह गए। 29 साल के हो गए थे। उससे पहले क्या हुआ, एक दिन उन्होंने नगर यात्रा, नगर भ्रमण की फरमाइश की। अब लोग चिंतित हुए क्योंकि अभी तक उनका जीवन कट रहा था राजमहल में। जब वो नगर में भ्रमण के लिए निकले,
तो उन्हें चार दृश्य दिखा, वो किसके साथ निकले थे वो दो वर्ड याद कर लीजिए, एक तो उनका सारथी था चन्ना और उनका घोड़ा था कंटक। ये दोनों वर्ड या इसलिए नाम याद कर लीजिए कि ये चीज पूछा जा सकता है। उनके घोड़े का नाम था कंथक और सारथी का नाम था चन्ना, चन्ना CHANNA। तो उनके साथ उन्होंने नगर भ्रमण की, चार दृश्य देखा। पहला में एक बूढ़े आदमी को देखा, वो भी दुखी था। दूसरे दृश्य में वहां दिखाया गया उनको, मतलब देखे वो रास्ते में, हालांकि बड़ी कोशिश की गई कि इनको सब चीज ना देखना पड़े, लेकिन दिख गए क्योंकि इनको तो बाहर निकलना था घर से। तो दूसरे में उनको एक रोगी दिखाई दिया, पेशेंट, तो वो भी दुखी था, उसके आसपास के लोग भी दुखी थे। तीसरे दृश्य में एक शव को दिखाया, डेड बॉडी को दिखाया गया, मतलब वो देखे जहाँ सब लोग रो रहे थे तो सब लोग दुखी थे। और चौथा दृश्य में दिखाया गया है, मतलब देखा उन्होंने एक सन्यासी का जो योग कर रहा है और खुश है। ये चारों घटना उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला, जिसकी वजह से वो घर से बाहर निकले थे। ये चार घटना याद रखना, बूढ़ा, रोगी, शव और सन्यासी, ये भी क्वेश्चन आता है। चलिए, अब उसके बाद क्या हुआ, 29 साल की उम्र में वो घर से निकल गया, जिसको महाविनिष्क्रमण कर बोला जाता है, जो जैसे महापरिनिर्वाण बोला जाता है उनकी मृत्यु को, तो महाविनिष्क्रमण बोला जाता है उनके घर से बाहर निकलने की घटना को। जब वो 29 साल की उम्र में निकले, उसके बाद वो वैशाली पहुंचे, वहां पे उनकी मुलाकात हुई एक इनके जो पहले गुरु थे, अलार कलाम। अलार कलाम नाम याद रखिएगा, उनके पहले गुरु थे, जिससे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। अलार कलाम जो थे, उनके बारे में बताया जाता है कि साधना शक्ति के उस समय के सबसे बड़े ज्ञाता थे। तो भगवान बुद्ध सीधे उनके चरणों में पहुंचे, कुछ समय बिताए उनके साथ उनके आश्रम में, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली। वहां से वो निकले, आपको आगे राजगीर की तरफ गए, वहां पे उनको दूसरे गुरु मिले, उनका नाम था रुद्रक रामपुत। और वहां पे उनको पांच साथी भी मिला, ब्राह्मण लोग, जिनको बाद में ये शिक्षा देते हैं सारनाथ में, जो पहला प्रथम उपदेश जो लिखा जाता है ना, वहीं पे मिले। कहाँ पे? रुद्रक रामपुत्र, जो उनके दूसरे गुरु थे, जिनसे उन्होंने योग शास्त्र की शिक्षा ली, पहले से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, जिनका नाम अलार्ड कलाम था गुरु का, और दूसरे गुरु का नाम अभी रुद्रक रामपुत था, जिनसे उन्हें योग शास्त्र की शिक्षा ली। और वहाँ वो पांच ब्राह्मण भी दिखे, जो वो लोग भी उन्हीं से शिक्षा ले रहे थे, तो दोस्त बन गए सारे। और उन्हीं पांचों को बाद में सारनाथ में, जिसको ऋषिपट्टनम भी बोला जाता है, उस समय बोला जाता था मृग वन भी बोला, हरिन वन वन भी बोला जाता था, मृगदाव भी बोला जाता था, वहां जाके उन्होंने शिक्षा दी थी उसी पांचों ब्राह्मणों को। ये आगे कहीं पे देखेंगे, कोई क्वेश्चन उस तरह का आता है तो उसके बारे में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। यशोधरा उनकी पत्नी थी, महामाया उनकी मदर थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी 5-6 दिन के बाद ही इनके जन्म के, और बिंबा का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पे। तो इनकी मौसी थी, जो बाद में सौतेली माँ भी बनी, महाप्रजापति गौतमी। और यही सबसे पहली महिला, पहले बौद्ध धर्म में महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं था, महिला लोग को लोग अपने संस्था में नहीं आने देते थे। ये आनंद के कहने पे बहुत सालों के बाद, मृत्यु से समझिए कुछ महीनों पहले ही, जब वो वैशाली में थे, वैशाली में उससे ही पहले, महाप्रजापति गौतमी को उन्होंने पहली महिला के रूप में धर्म बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया था, ये आनंद के बार बार बोलने के बाद। उसके बाद दूसरी महिला कौन सी थी? वो नगर वधु थी वैशाली की, आम्रपाली, वो दूसरी थी महिला जो उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। बौद्ध गया कहाँ पे? बिहार में। बिहार में गया एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, शहर है, उससे 12-13 किलोमीटर दूर है, जिसको बौद्ध गया बोला जाता है बौद्ध के नाम से। उस समय अरुवेला बोला जाता था, अरुवेला, उरुवेला, अरुवेला,
इस तरह का कुछ वर्ड था जहाँ पे बहुत ये महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति किए थे। बिहार में है वो, समझे। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम वचन क्या कहलाता है? महा धर्म चक्र परिवर्तन। देखिए यहाँ चारों, इसलिए यहीं पर बता देता हूँ। जो पहला प्रवचन था, पहला उपदेश जो सारनाथ में अपने पांच मित्रों को, पांच ब्राह्मणों, पांच तपस्वियों को दिया था, उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। जहाँ चक्र और हरिण, चक्र और हिरण, हिरण को दिखाया जाता है, मृग को। महाभिनिष्क्रमण जो था, ये उनके घर से निकलने की घटना है। जब 29 साल की उम्र पे निकले थे, महापरिनिर्वाण परिनिर्वाण उनकी मृत्यु की घटना है, जो उनकी मृत्यु की घटना है। हाँ, बस इतना ही है। ये महामस्तकाभिषेक जो है, ये जैन धर्म से संबंधित है, इसको बाद में देखेंगे। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पे महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, महिला और शूद्र। दोस्तों उस समय क्या हुआ था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार क्यों हुआ, क्यों दुखी लोग थे, खास करके महिला और शूद्र, बहुत बुरी स्थिति थी। बहुत कर्म कांड, ये करो, यज्ञ करो, हवन करो, बलि दो, महिला का कोई कहीं पे आना जाना नहीं, शूद्र लोग उस मंदिर के आसपास से नहीं निकल सकते थे। तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित ग्रुप यही थे, महिला और शूद्र, उस समय में कर्म कांडों की वजह से। तो ये लोग बड़ी जल्दी ही बौद्ध धर्म का में शामिल होते गए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? दोस्तों यहाँ पे मैं और बता दूंगा, घोड़ा है। जब बुद्ध घोड़े से ही बाहर निकले थे, अपने कंथक घोड़ा से, तो घोड़ा को उनको गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। उसके अलावा कुछ और प्रतीक है जो हम इसी क्वेश्चन के साथ पढ़ लेंगे। पहला है हाथी। जब भगवान बुद्ध महामाया अपनी मम्मी के गर्भ में आए थे, तो उसमें उसका प्रतीक हाथी को माना जाता है, हाथी। दूसरा है कमल। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, वो कमल का प्रतीक है, कमल, याद रखिएगा। हाथी गर्भ में आने का प्रतीक है, कमल जन्म का प्रतीक है, सांड, सांड यौवन का प्रतीक है, यौवन, जवान होने का। घोड़ा गृह त्याग बता दिया मैंने आपको। उसके बाद शेर जो है, समृद्धि विकास का प्रतीक है, चक्र प्रथम उपदेश का प्रतीक है। शेर समृद्धि और विकास का प्रतीक है, चक्र जो है प्रथम उपदेश का प्रतीक है। तो ये 6-7 प्रतीक जो थे, ये भी याद रखना जरूरी है। आगे, गौतम बुद्ध द्वारा विष्णु संघ की स्थापना कहाँ की थी, कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी, जहाँ पहली महिला कौन थी, उनकी मौसी या सौतेली माँ बोलिए, प्रजापति गौतमी, और दूसरी कौन थी, आम्रपाली, जो वैशाली की नगर वधू थी। आगे बढ़ते हैं, 26वां क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। दोस्तों ये जो कनिष्क थे, चौथे कश्मीर के राजा, ये उनके दरबार में थे, ये नागार्जुन। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन में, कश्मीर में। अभी नागार्जुन के बारे में और आगे बात करेंगे, इनको आइंस्टीन भी बोला जाता है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में, पढ़ चुके हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। मतलब क्वेश्चन को डिफरेंट करके कैसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी बात धर्म, बौद्ध धर्म और तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। ये क्वेश्चन लेना नहीं था मुझे यहाँ पे, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में, बिहार। बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंध चार स्थानों का नीचे उल्लेख है। ये दो स्तंभों में अंकित है, उनको सुमेल करना है, यानी मैचिंग करनी है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ में। और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? 14 पूर्व होते, चलिए ये गलती से आया हुआ क्वेश्चन, आगे चलते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली घोषाल। ये भी हमारे काम का नहीं है, चलिए जान जाइए, मखली घोषाल पूछ सकता है, लेकिन ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था?
हिंद यूनानी का एक चार पांच क्वेश्चन अलग आ गए हैं, आगे देखेंगे। चलिए, कथन ए और आर को मिलाना है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। यस, मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। सही है। अगला उसका आर है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों का विचार करें। चैत्य और विहार में क्या अंतर होता है? तो चैत्य बौद्धों का पूजा स्थल को चैत्य बोलते हैं, और विहार उनका निवास स्थान होता है। चैत्य पूजा स्थल, विहार निवास स्थान। चलिए, अगला क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? आप बताइए। बहुत बार बता चुका हूँ, महाकश्यप। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। ये देवदत्त है, महाकश्यप, उपाली, आनंद तो शिष्य थे, लेकिन देवदत्त उनके चचेरे भाई थे। पहले अनुयायी बने, फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया उन्होंने, साथ में रहते थे बुद्ध के, बाद में विरोधी भी बन गए, और वो चाहते थे कि उनको संघ का प्रमुख बना दिया जाए। वो सफल नहीं हुए थे अपने इस इरादे में। अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संबंधित है केवल वसुधाई से, वासुदेव से। इस क्वेश्चन को, वासुदेव, एक क्वेश्चन मुझे बार बार कहीं दिख रहा था तो मैंने इसे को लिया। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने। चलिए, ये कुछ क्वेश्चन 7-8 आ गए थे, अलग से थे, मैं इसको आगे बढ़ा दिया हूँ, 75 से ज़्यादा कर दिया। निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए है, गैरकूट से ज्ञात करें। तो जो चार बौद्ध संगति हुई थी, कैसे कैसे हुई थी वो बताना है। तो पहला कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरा वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कुंडल में। 2, 1, 4, 3। बिल्कुल सही। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नामित नहीं किया था। जैन धर्म में हुआ था नामित, लेकिन बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने किसी को नामित नहीं किया गया, नामित किया था नेतृत्व के लिए। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला, भागलपुर में है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में है दोस्तों, सांची में। बात करेंगे आगे। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्णन कृष्णा का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। ये पता नहीं क्यों हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कहाँ कौन सा है? नालंदा। प्राचीन विहार यूनिवर्सिटी भी वही है, नालंदा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत समकालीन थे, और मिलिंद की चर्चा बाद में होती है, तो ये समकालीन नहीं थे। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। वो क्या था दोस्तों? एक्चुअली क्या होता था, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति को अवसर होता था। मतलब यदि कोई बौद्ध भिक्षु आप कोई अपराध किया है, तो वहाँ पे उसको स्वीकार करके अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग सकता था। तो ये उसको, उस समारोह को पवरन कहा जाता था। पवरन यहाँ लिखा हुआ है ना, पवरन। कश्मीर, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है, ऐसा क्वेश्चन सिंपल नहीं है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाए। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वासुमित्र ने, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। चलिए आगे, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग जो है ना, वो जैसे देखिए, भगवान बुद्ध के चार चार आर्य सत्य थे। क्या क्या था? दुनिया में सब लोग को दुख है। दूसरा, उस दुख का एक ठोस कारण है। तीसरा, उस ठोस कारण का निवारण भी है कि कैसे ठीक होगा। चौथा था अष्टांगिक मार्ग। तो ये चारों जो सत्य थे, आर्य सत्य
उसका निवारण होता है अष्टांगिक मार्ग से, जिसमें 8 मार्ग बताए गए हैं किस तरह से आप अपने दुख पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सही है, यदि आप इनकी शिक्षा को यदि आप पढ़ेंगे, जाके मैंने यह पूरा नहीं दिया, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, तो ये काफ़ी काम का चीज़ है, यदि आप अपने ऊपर लागू करते हैं तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है अभी जो मैं बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन केबीसी में आया हुआ है दोस्तों, और हाई वैल्यूड क्वेश्चन था, बस वहीं से मैंने इसको बाकी सारे क्वेश्चंस को भी लिख लिए हैं। क्वेश्चन सुनिए, मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न में राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, डायलॉग है, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु का वहाँ पे चर्चा है, उन दोनों के विषय संवाद है, तो वो नागसेन है दोस्तों। अब मुझे याद है, मेरे ख्याल से कंटेस्ट ने क्विट कर लिया था, हाई वैल्यूड क्वेश्चन था ये, तो ये नागसेन उसका आंसर होगा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से, अन्य नाम से जानते हैं, उसको पद्म पाणि भी बोलते हैं, पद्म पाणि, याद रखिएगा इसको। महायान में, अभी महायान के बारे में एक दो लाइन और बताऊंगा, बौद्ध धर्म और तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे स्त्री और पुरुष दोनों को मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, स्त्री आ सकते थे, बाकी सब जगह अलाउड नहीं थे। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था, देवी देवताओं का पूजा। देखिए दोस्तों, जो चौथे बौद्ध काउंसिल हुआ, बुद्धिस्ट काउंसिल, बौद्ध संगीति, जहाँ पे बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान में, तो जो महायान के साथ गए, खुद जो राजा कनिष्क थे वो महायान के को समर्थन करते थे, तो महायान जो थे वो भगवान बुद्ध को देवता समझते थे कि वो देवता हैं, जबकि खुद भगवान बुद्ध अपने आप को देवता नहीं समझते थे, वो अपने आप को पुरुष ही समझते थे। और हीनयान संप्रदाय के जो लोग हैं वो भगवान बुद्ध को महापुरुष समझते हैं, और वो सही समझते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध के पास, पता नहीं आप लोगों को पता हो या नहीं पता हो, ऐसे 32 लक्षण थे उनके शरीर पे, 32 साइन थे, जो सिर्फ महापुरुषों में ही पाया जाता है। 32 जो बुक है उसमें लिखा हुआ 32, ये क्वेश्चन मैंने इसमें लिया नहीं है, इसलिए याद रख लीजिए कि 32 ऐसे साइन थे जो महापुरुषों को ही होता है, और उसमें बहुत सारे साइन में एक दो मैं चाहता हूँ बताऊँ आपको। पहला तो उनके कान लंबे थे, आप दोनों कान देखेंगे, पिक्चर देखेंगे भगवान बुद्ध का कहीं पे, उनका जो मूर्ति बना हुआ है वो देखेंगे, तो उनमें कान लंबे होते हैं, जो एक महापुरुष का लक्षण होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, मुझे याद आ गया, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ कि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति कब से बननी शुरू हुई। तो दोस्तों भगवान बुद्ध की मूर्ति जो ये चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसके बाद से बनना शुरू हुआ। कहाँ बना सबसे पहला मूर्ति, वो मथुरा में बना, मथुरा में भगवान बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले बनी, और कौन सा कला था वो, गंधार कला के अनुसार बनाया गया, याद रखिएगा। उस समय तो कोई ब्रिटिश इंडिया और ये सब नहीं, सारा एक ही था, तो आपको गंधार कला के अनुसार मथुरा में सबसे पहले बना, जहाँ मूर्ति की बात हुई, तो उसमें आप देखेंगे कान उनके लंबे दिखाए गए हमेशा। दूसरा आप उनका सिर पे देखेंगे एक उठा हुआ भाग, लोग सोचते हो कि जूड़ा बना हुआ, जूड़ा नहीं है, उनका दिमाग वहां से उठा हुआ था, वहां पे वो मांस का टुकड़ा था दिमाग के ऊपर, जो आपको फोटो में हमेशा दिखाता है कि बाल और बाल का वो जूड़ा बना हुआ, नहीं, तो ये भी महापुरुष का लक्षण होता है। तीसरा जो उनके हाथ थे ना, हाथ हाथ की उंगलियां, तो वो पतली और लंबी थी। जनरली क्या होता है, मूर्तिकार, चित्रकार, पेंटर, इन लोग के हाथों की उंगलियां या लेखक पतली और लंबी मानी जाती है, उनके भी थे। और उनके हाथ की उंगलियों में और क्या था कि जो बत्तख का पैर देखे होंगे, जो उसमें जाले बने होते हैं उंगलियों के बीच में, उस तरह का बना हुआ था इनके हाथों में, ये भी एक महापुरुष का लक्षण है।
दूसरा जब वो सीधे खड़े हो जाते थे, सीधे खड़े हैं कहीं पे, तो अपने हाथ से अपने घुटने को छू सकते थे बिना झुके हुए। ये भी एक महापुरुष का लक्षण है। और क्या बताऊं मैं उनका उनका स्किन इतना महीन और इतना सॉफ्ट था कि उसके ऊपर धूल नहीं जमा होता था, गोल्डन कलर लिए हुए होता था उनका शरीर। और क्या उनके बाल घुंघराले भौं थे, आपस में जुड़े हुए थे और बीच में वो बिल्कुल घुंघराला था। लोग वहाँ पे बिंदु बना देते हैं, टीका लगा देते हैं, लेकिन वो टीका नहीं, बाल का ही घुंघराला रूप था। उसको आप पकड़ के आप खींचेगा तो लंबा स्प्रिंग की तरह, और फिर घुंघराला हो जाता था वहाँ पे। तो ये भी उनका एक लक्षण था। जो उनका तलवा एड़ी था, एड़ी एड़ी वो भी फ्लैट था, नीचे फ्लैट, और वो थोड़ा सा चौड़ा था। जो टखना था घुटने के नीचे जो टखना होता है, वो भी कुछ अलौकिक था उनके साथ। तो इस तरह से कुछ याद था जो मैंने आपको बता दिया। ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं जो पढ़ा गया है। यहाँ मैं क्या बात करता है, हीनयान और महायान का। तो महायान में बताया, महायान जो कनिष्क राजा थे वो भी महायान को समर्थित करते थे। तो महायान लोग भगवान बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को, भगवान बुद्ध जो समझे उनको देवता समझ के पूजा करने लगे, और हीनयान वाले लोग महापुरुष ही समझते थे, और खुद भगवान बुद्ध अपने आप को एक पुरुष ही समझते थे, केवल पुरुष। तो ये दोनों में अंतर था, सिर्फ देवी देवता माना जाए या नहीं माना जाए। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन बार बार इसलिए लिया गया है, हर एक जगह होता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें मिलाइए, देखिए, प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप, सही है। द्वितीय बौद्ध संगति सब्बकामी, सही है। तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपत्तिस, चतुर्थ वसुमित्र। ये चारों जिन्होंने अध्यक्षता की थी उनसे मिलाना था इसको। इतना बार बार रिपीट हुआ कि आपको याद हो जाना चाहिए। वसुमित्र के साथ यहाँ अश्वघोष भी थे। अगला है, निम्न में से कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है? तीनों, हिंदू धर्म भी, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी, तीनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अगला है, बौद्ध संगतियों के चार आयोजकों का सही क्रम क्या है? सबसे पहला अजातशत्रु, तो ये नीचे वाला आएगा, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? देखिए, त्रिपिटक कौन सा था? तीन अंग है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और जातक जो है ना, इससे बताते हैं कि भगवान बुद्ध की 550 अवतार के बारे में सारी बताई कहानियां हैं इसमें, जातक कथा में। तो ये त्रिपिटक का अंग नहीं है, बिल्कुल अलग है। अब देखिए, फिर से सूची मिलान करना है। शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे, सही है। महामाया बुद्ध की माता थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी या सौतेली माँ। यशोधरा बुद्ध की पत्नी। ये चारों सही हो गया, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, यहाँ भी वैसे ही मिलाना है। चन्ना कौन था? बुद्ध का सारथी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्ध का सारथी का नाम क्या था? चन्ना। बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? कंटक। अलार्म कलाम कौन थे? सबको पता है, पहले गुरु, लेकिन दूसरे गुरु का नाम नहीं पता होता है। तो दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। निरंजना नदी जिसके तट पे बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की, और इसके बारे में आगे बताऊंगा। कौन सुमिलित नहीं है? आनंद और रूपाली बुद्ध के शिष्य थे, सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता कठिन तपस्या के बाद के उपरांत बुद्ध को बड़ा भोजन कराने वाली कन्या। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। राहुल, राहुल उनका बेटा था। बुद्ध का चचेरा भाई कौन था बताइए? देवदत्त। तो ये सारा सही है। और सुजाता कौन थी? सुजाता वही जो बौद्ध भी गया है, जिसको उरुगवेला, उरुवेला कहा जाता था उस जमाने में, जब भगवान बुद्ध तपस्या किए थे वहाँ पे। तो उसके उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या सुजाता ही थी, जो पास के एक गांव के प्रधान की बेटी थी। नंदकन कुछ इस तरह से नाम था, नाम नहीं याद है मुझे, नाम याद है। सुजाता ने 49 कौर खीर खिलाया था, खीर खीर खिलाया था। तो ये कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी।
महात्मा बुद्ध को किस क्षत्रिय कुल के थे? वो शाक्य थे। इनके पिताजी शाक्य गण के प्रधान थे और ये शाक्य कुल के थे। गौतम क्या नाम है? बुद्ध के गोत्र का नाम है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है। अब बुद्ध का मतलब क्या? बुद्ध कब नाम पड़ा था इनको? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब उसका नाम बुद्ध पड़ा था, भगवान बुद्ध, या तथागत भी उसके बाद बोला जाता था उनको, शाक्य मुनि तो बोला ही जाता है। तो आपको ये चार हो गए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ भी सूची का मिलान का। महाभिनिष्क्रमण क्या है? गृह त्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए आगे। बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दिशाओं के कारण बलवती हुई थी? तो मैंने आपको पहले बताया था, पहले उसने जब नगर भ्रमण पे निकले थे कंथक और चन्ना के साथ, तो वहाँ सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी दिखा जो बहुत ही दुखी था, फिर एक रोगी दिखा पेशेंट, वो भी दुखी था, लाश दिखा, वो भी वहाँ पे सब लोग उसके आसपास दुखी थे, सिर्फ एक सन्यासी था जो योग मुद्रा में था और खुश था। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, जब वो नगर भ्रमण करके आए, उनके मन में बलवती हो गई और अपने बेटे के जन्म के बाद 29 वर्ष की उम्र में वो क्या हुए? घर से निकल गए अपने कंथक और चन्ना के साथ, वैशाली पहुँचे। वैशाली से उन्होंने उनको वापस कर दिया, दोनों को, चन्ना को कंथक को, और यहाँ उन्होंने भगवा धारण करके वहीं पे इनको अलार कलाम मिल गए जो सांख्य दर्शन के गुरु थे, उनके यहाँ उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ आपको। सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और उसके बाद क्या हुआ, उनको कुछ साल गुजारे कुछ समय वहाँ पे, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई। फिर वहाँ से वो राजगीर आए, राजगिरी में उनको दूसरे गुरु मिले, उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। वहाँ 5 सन्यासी भी मिले थे जो मैंने आपको पहले बताया था, जिनको पहली शिक्षा दी थी उन्होंने, सबसे पहले प्रथम उपदेश, तो उन्होंने उन लोगों ने ही इनको रुद्रक से मिलवाया था वहाँ। और रुद्रक जो थे, जो दूसरे गुरु थे, वो योग शास्त्र के गुरु थे, वहाँ उन्होंने योग शिक्षा ली, काफ़ी कुछ किया, तपस्या वगैरह, इन वो पांचों मित्रों के साथ भी, वो पांचों जो तपस्वी थे ब्राह्मण, वो भी साथ में थे इनको, लेकिन इनको मतलब यहाँ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मतलब वो जिस चीज़ के खोज में घर से निकले थे वो उनको अभी तक महसूस नहीं हो रहा था कि मुझे आ गया है। फिर उसके बाद वहाँ छोड़ के अलग हुए कि नहीं, अब मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग टाइप से, इतना थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या किया उन्होंने, निरंजना नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था। निरंजना नदी कहाँ है? बोध गया में। दोस्तों इसी को फाल्गुन नदी अभी बोलते हैं। एक क्वेश्चन केबीसी में आया था, किस नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वहाँ फाल्गु ऑप्शन में नहीं था, निरंजना ही ऑप्शन में था, और अब उसको फाल्गु नदी बोलते हैं। तो उसी के किनारे एक पीपल के वृक्ष पे उन्होंने सोच लिया कि अब मुझे बिना कुछ खाए पिए मैं ये करूँगा, तपस्या करूँगा। और फिर वहाँ पे इस तरह से उनकी उम्र, आप समझे, 29 साल की उम्र में निकले और ज्ञान की प्राप्ति इनको 35 साल में हुई, मतलब 6 साल लग गए उनको, कुछ समय पहले गुरु के पास, कुछ समय दूसरे गुरु के पास, फिर उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंटली अलग से तपस्या करना शुरू किया था, बोध गया, जिसको उरुवेला बोलते हैं, अरुवेला उरुवेला है, सही है। वो वहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्होंने तपस्या की। फिर एक समय आया कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो था वैशाख पूर्णिमा का दिन। देखिए बुद्ध के जिंदगी में वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है, क्योंकि इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, वो घर से जब निकले थे वो भी वैशाख पूर्णिमा था, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो भी वैशाख पूर्णिमा, जब इनकी मृत्यु हुई तब भी वैशाख पूर्णिमा था। तो आप समझ रहे हैं कि सब जगह वैशाख पूर्णिमा, कोइंसिडेंस समझिए अब जो समझिए। तो इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनका शरीर प्रकाशमय हो गया, सुगंध निकलने लगा, तेज दिखने लगा इनके शरीर से, मतलब गोल्डन कलर का हो गया ऐसा।
पूरे शरीर का स्किन, फिर उठे वो वहाँ से, उनको लगा, वो आप अपने आप में जज करने लगे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया, बोले कि नहीं पहले तो मैं चेक करूंगा। तो इसके बाद का कहानी सुनिए दोस्तों, ये कहानी आपको सब जगह नहीं मिलेगी। जब ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन, उस दिन मिल गई, उसके बाद उन्होंने 7 हफ्ते तक, 7 हफ्ते यानी 49 डेज, 7 हफ्ते, 7 उसी के आसपास 7 जगहों पे बिता के अपने आप को जज किया, क्या मुझे सही में ज्ञान की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। वो 7 जगह था जहाँ पे उन्होंने पीपल के पीछे बैठे थे, उसके सामने एक जगह था, उसके आसपास बहुत सारे नाम हैं, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे आपसे क्वेश्चन पूछने, लेकिन ये इम्पोर्टेंट घटना थी। 7 जगह उसी के आसपास 7 7 दिन करके 49 डेज उन्होंने बिताया वहाँ पे। और जब लास्ट डे पे जब वो उनको लगा कि अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तब उसी समय वहाँ से 2 व्यापारी गुजर रहे थे अपने काफिला के साथ, 500 बैलगाड़ियों का काफिला था, वो जा रहे थे वर्मा, और वृक्ष का नाम था राजवर्ष या कुछ बोलते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे तो उनको क्या मैं ज्ञान मिला था, लेकिन जब वो चेक कर रहे थे अपने ज्ञान को, तो लास्ट वाला जो 7 दिन था वो राज वृक्ष कुछ था, राजयन नयन कुछ करके नाम होता है, जो इंडिया में अब नहीं है, वर्मा में पाया जाता है, वहाँ से लाके अब लगाया गया है यहाँ पे, लेकिन उस समय वो वृक्ष था, उसके नीचे बैठे हुए थे, वहाँ पे एक श्रोता था तो पुआल दे दिया था बैठने के लिए घास का साथ, मोटे उसी पे बैठे थे वो। और आपको उसी समय वो दोनों व्यापारी गुजरे, उसका कुछ देखिए कहीं कहीं चर्चा है कि इसी दोनों को उन्होंने पहला उपदेश दिया था, लेकिन बुक्स में बहुत जगह लिखा हुआ है वही पांचों ब्राह्मण को जो सारनाथ में दिया था, लेकिन सबसे पहले इनको पूरा उद्देश्य मतलब उपदेश नहीं दिया था। यहाँ पे इन 2 व्यापारी जब इनका तेज देख के उनको लगा ये तो बहुत कोई सिद्ध पुरुष है, तो बोले कि मुझे शिष्य बना लो। फिर भगवान बुद्ध ने 2 उपदेश दिया था इनको, सिर्फ बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्म शरणम गच्छामि, क्योंकि उस समय तो उनके पास संघ शरणम गच्छामि होता ही नहीं था, क्योंकि वो बना ही नहीं था संघ वाला, तो सिर्फ बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्म शरणम गच्छामि बताया था। और इसी दोनों व्यापारी को जो वहीं रह गए, उन्होंने आगे नहीं गए, पहले शिष्य बने थे, उन्होंने खुद शिष्य बना बुद्ध का, और उनसे उपदेश यही 2 उपदेश लिया था। इसके बाद क्या हुआ, जब इनको लगा कि अब मैं ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो वो उन 5 मित्रों के खोज में चले, और लोगों गुरु लोग को खोजे, पता चला कि वो लोग तो अब परलोक सिधार गए। फिर उन्होंने अपने पहले के जो 5 मित्र थे उनको खोजने के लिए निकले, बाद में पता चला कि वो सारनाथ में है, सारनाथ में तपस्या कर रहे हैं, तो ये वो लोग वहाँ पे ये भगवान बुद्ध सारनाथ पहुँचे। लेकिन सारनाथ जब पहुँचे तो दो 5ों मित्र ने बोला मैं तो तुम्हारे पास नहीं आने वाला, देखो वो आ रहा है मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तो छोड़ के चला गया था, आपको मैंने बताया जब इनको संतुष्टि नहीं हो रही थी तो ये बिल्कुल अलग होके तपस्या करने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध उनके पास पहुंचे, उनका तेज देख के वो 5ों सन्यासी इनके पास आके बैठ गए, और पहला उपदेश ईशान्य जिसको ऋषि पट्टनम भी बोलते हैं, हिरण वन भी बोलते हैं, और मृगदाप भी बोलते हैं, वहीं पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था, सारनाथ है, और वहाँ पे इसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है, मृग के साथ चक्र का कला कलाकृति होती है, जब भी आप कोई फोटो देखेंगे तो ये पहला उपदेश था। लेकिन मैक्सिमम उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दी है, जो कौशल की राजधानी थी, कौशल एक महाजनपद था जिसको अब अयोध्या बोलते हैं, उसकी राजधानी थी कौशल श्रावस्ती, वहां सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने दिया था, और सबसे अधिक शिष्य वहीं हुआ करते थे उनके श्रावस्ती में। अब अगर अच्छा, वो कौशंबी भी गए थे, कौशंबी क्या है, कौशंबी बौद्ध धर्म जैन धर्म हिंदू धर्म सबका महत्व है वहां पे, वहां पे तीनों चीज के लिए, बौद्ध धर्म जैन धर्म और हिंदू धर्म के लिए प्रसिद्ध है कौशंबी। तो कौशंबी में
वहाँ पे भी गए, वहाँ पे वो वत्सराज थे राजा, उनके उदयन उदयन वत्सराज उदयन ये क्वेश्चन पूछा था एक बार, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ उदयन राजा के समय वो कौशाम्बी गए थे। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या चल अगला क्वेश्चन में फिर कोई आएगा स्टोरी फिर बताऊंगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, पहले एक क्वेश्चन रह गया इसमें। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? शारावस्ती में, मैंने अभी अभी बताया आप लोग को। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, कि रचनाकार कौन है, मैं शुरू में बता दिया था। जो चौथी बौद्ध संहिति हुई थी उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष ने ही रचना की है बुद्ध चरित्र की, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। उसके बाद एक और है महाविभाषाक, इसकी रचना किसने की थी? जो वसुमित्र अध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगति के, उसने की थी। इसकी भी एक वैल्यू है। उसके बाद है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो ये धम्मपद है दोस्तों, धम्मपद। इसको याद है गीता के समान कौन है? धम्मपद, और रामायण के लिए बुद्धचरित। आगे चलते हैं। किसके समय में बौद्ध धर्म अस्पष्टता से दो स्वतंत्र हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? बता दिया आपको मैंने, कनिष्क चौथे बौद्ध संगति के समय। योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। अब सोचिए एक दो को मिलाना है वो उतना काम का नहीं है, तो इसको रहने देते हैं, ये गलती से आया हुआ क्वेश्चन। अगला देखिए, अब इंडिया का जो मैप दिमाग में बैठा लीजिए, और यहाँ कश्मीर सबसे ऊपर बैठा लीजिए। यहाँ पे हीनयान और महायान दो भागों में बौद्ध धर्म बट गया। तो जो इंडिया के नीचे साउथ के तरफ के जितने कंट्री है ना, वहाँ किसका प्रचार हुआ? हीनयान का। हीनयान वाले सब लोग, ये जो इंडिया के साउथ एरिया में जितने कंट्री थे वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, और महायान का प्रचार ऊपर वाले नॉर्थ इलाके में, इंडिया के नॉर्थ में जितने कंट्री है चाइना मंगोलिया ये सब में महायान का प्रचार हुआ। तो क्वेश्चन भी बनता है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? महायान। उत्तर की दिशा में महायान और नीचे की दिशा में हीनयान। यह बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध धम्म और संघ को। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? बंगाल के पाल ने। अब यहाँ फिर से सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना है। तो पहला है नालंद गुप्त वंश, सही है। उदंतपुरी गोपाल, सही है। विक्रमशिला धर्मपाल, सही है। वल्लभी भटार्क मैत्रक वंश, ये भी सही है। दोस्तों ये वल्लभी जो है ना, ये गुजरात में है। यहाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी ये काफी नाम है यहाँ पे। और वल्लभी में जैन काउंसिल हुआ था, सेकेंड वाला जैन काउंसिल वल्लभी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके की जाती है? बाहुबली, वो सिनेमा वाले बाहुबली नहीं, ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ओ आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं में के विषय में क्या है? जातक कथा, बता दिया था पहले। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पे स्थित है? बौद्ध गया। अगला है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम हो चुका है। और प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में कौन सा दोनों समान रूप से विद्वान था? दो तीन, ये वेद प्रमाण के प्रति अनास्था और कर्मकांडों का फलोत्ता का निषेध। चलिए क्वेश्चन रहने दिए, थोड़ा सा टफ टाइप का हो रहा है। आगे चलते हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई दी गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, ये किसका प्रतीक है? तो आप पहला दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। ऑप्शन, मार्ग पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। और दूसरा है, मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन नहीं आएगा,
इसलिए इसको रहने दीजिए, कभी नहीं आएगा। ये टॉप मोस्ट लेवल के जो PCS और IAS के एग्जाम होते हैं उस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपसे पूछे जाएंगे। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है, इन तीनों जगह पे क्या हुआ था, बौद्ध संगीति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, कुशीनगर में। कुशीनगर। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पे, पाटलिपुत्रा में। और ये क्वेश्चन फिर से मैंने लिख दिया, हटाया नहीं था, मिलिंद पांडव, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के संवाद के रूप में है, तो नागसेन। ये क्वेश्चन आया था KBC में, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, और हाई वैल्यूड क्वेश्चन थे दोस्तों। इस तरह से आपने देखा होगा कि मैंने आपको बोध से समानता, बोध से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए और एक्स्ट्रा जानकारी भी दी है। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट कहीं होता है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो ये आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा क्या, जब एक चीज़ और बता दूँ, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने बताया था या नहीं बताया था, कि वो जब 29 साल की उम्र में घर से निकले थे और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उस समय उनकी उम्र 35 वर्ष थी, 35 वर्ष। उसके बाद वो 45 साल तक अपने, देखिए बौद्ध धर्म की स्थापना इनकी मृत्यु के बाद ही हुई है, जब तक ये खुद थे तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति, चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, सिर्फ इसी का उपदेश उन्होंने चारों तरफ फैलाया, लोग अपने आप इनसे जुड़ते चले गए। लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बनाया था कि आज से मेरे नाम से बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म तो उनके शिष्यों ने शुरू की, पहले बौद्ध काउंसिल, जब उनकी मृत्यु हो गई और पहला बौद्ध काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया उस समय, इसमें सबसे बड़ा हाथ इस बौद्ध धर्म को और आगे फैलाने में अशोक का जाता है, जिन्होंने बहुत सारे कंट्री में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, अपने रिलेटिव को भेजे और बौद्ध धर्म का प्रचार किया बहुत। चूंकि उस समय बौद्ध धर्म का मतलब उदय ही इस वजह से हुआ था कि उस समय हमारे हिंदू धर्म में, उस समय बहुत सारे धर्म थे, पहले ये समझिए, इतने सारे कर्म कांड थे, इतने सारे हवन करो, पूजा करो, दक्षिणा दो, गाय दो, ये करो वो करो, कि लोग तंग आ चुके थे ये सारे कर्म कांड निभाते निभाते। दूसरा, औरतों का उतना ज्यादा समाज में स्थान नहीं मिल पा रहा था। तीसरा, शूद्र लोग, जो दलित लोग थे, उनकी वैल्यू नहीं हो रही थी, कोई उनको पूछने वाला नहीं था, बहुत बुरी हालत में थे। तो ये लोग ही सबसे पहले बौद्ध धर्म से जुड़े, जो हाशिए पे चले गए थे। इस वजह से इसका बहुत ज्यादा, देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत कुछ समताएं हैं, समान चीजें हैं, और जैन धर्म थोड़ा सा ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, और बौद्ध धर्म वाले माध्यमिक मार्ग बोलते हैं उसको, उस पे चलने का कोशिश किए, इस वजह से बहुत ज्यादा इसका प्रसार भी हुआ। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, कभी कभी 5वें बुद्ध काउंसिल के बारे में बोला जाता है, पूछा जाता है, तो ये 5वां जो बौद्ध काउंसिल था वो हर्षवर्धन के टाइम में 7वीं शताब्दी में हुआ था, और ये जो चीन के वो आए थे ह्वेन सांग, वो अध्यक्षता किए थे। कहीं कहीं वर्मा को और सब जगह दिया जाता है, इसलिए उसकी उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन बहुत जगह चर्चा है ये हर्षवर्धन के टाइम में, और ह्वेन सांग उसके प्रेसिडेंट थे। और कोई क्वेश्चन बनता हो तो पूछ सकते हैं, बाकी सारा बता दिया, उनके जन्म से लेके लास्ट तक बता दिया, उनका मृत्यु तक, मृत्यु कैसे हुई थी, ये सारा कुछ आप लोग को बता चुका हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।